19 से 24 हमारे पास 400 सीट थी, तो सीट आने से संविधान बदल जाते हैं, ये तर्क गलत है। संविधान के साथ धोखा इस परिवार ने किया है। संविधान बनने के बाद सबसे पहले संविधान बदला पंडित नेहरू ने। उन्होंने क्या किया? सबसे पहले उन्होंने, पंडित नेहरू ने संविधान संशोधन किया और क्या किया, फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया। फिर इनकी बेटी आई इंदिरा जी, इंदिरा जी ने क्या किया, आपातकाल लगा दिया, कोर्ट के जजमेंट को उन्होंने नकार दिया, उनका चुनाव रद्द हो चुका था। संविधान के साथ धोखा उन्होंने किया। फिर उनके बेटे आए राजीव गांधी जी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने आकर के भारत के मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बिल लाए। देश के मीडिया ने और देश के विपक्ष ने बहुत बड़ा हल्ला किया तो बच गए, लेकिन तब वो संविधान की भावना के खिलाफ करने गए। उनके बेटे शहजादे, उन्होंने क्या किया, संविधान की कोख से जन्मी हुई सरकार होती है और सरकार की कैबिनेट वो संविधान के अधिष्ठान पर होती है। कैबिनेट ऐसी हवा में नहीं होती, वो कैबिनेट जो निर्णय करे वो संविधान से सुसंगत होता है। उस कैबिनेट के निर्णय किया डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उस कैबिनेट में जो निर्णय किया गया था उसके लीरे लीरे उड़ा दिए। मतलब वो एक कागज नहीं फाड़ रहे थे, भारत के संविधान के टुकड़े कर रहे थे। वो बाबा साहब आम्बेडकर की पीठ में छुरा भोंक रहे थे, वो भारत के संविधान निर्माताओं की भावनाओं को चूर चूर कर रहे थे। परिवार की सभी पीढ़ियों के सभी मुखियाओं ने संविधान के साथ ये बदतमीजी की है, उनको संविधान शब्द बोलना भी उनके मुंह में पाप लगता है।